हेलो एवरीवन, आप सभी इंजीनियर्स को फिर से और एक बार स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। मैं कृष्णा घोष आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी लोगों के लिए एक न्यू जॉब का अपडेट लेके आया हूँ। आज का ये जो जॉब अपडेट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एक बीटेक इलेक्ट्रिकल के फाइनल ईयर स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सिंगापुर की एक कंपनी की तरफ से जिनका ऑफिसियल करियर सेक्शन पे GET पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट का एक वैकेंसी आया है, जहाँ पे इन लोगों का जो रिक्वायरमेंट है देखिए आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश दे के लिखा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET पोजिशन के लिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपको रहेगा मुंबई ऑफिस का, इनका जॉब लोकेशन रहेगा मुंबई पे, वर्क फ्रॉम होम नहीं होने वाला है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सिंगापुर का कंपनी है, मगर आपको ये कंपनी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देख रहा है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल देंगे जहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा ये तो मैंने बता दिया, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो चीज़ बताया गया है देखिए, BE BTEC बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने किए है इलेक्ट्रिकल आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इसका इक्विवेलेंट कोई भी डिपार्टमेंट से किए है, आपके पास बेसिक एडवांस ऑटोकैड 2D एंड 3D के ऊपर नॉलेज है, एक्सपीरियंस आपके पास रहे या ना रहे कोई इशू नहीं है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके पास अगर मिनिमम एक्सपीरियंस रहता है तो आप दे सकते हैं 0 to 2 years का एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ मैरीन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी आर प्रेफर्ड। आपने अगर आपका मैरीन इंजीनियरिंग के ऊपर या फिर कोई कंसल्टेंसी था ऐसा, देखिए इन लोगों का जो काम है ना स्पेशली आपको कंसल्टेंट के हिसाब से रखा जाएगा, आपको स्टूडेंट को काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बहुत सी ऑफिस काम भी रहता है, तो देखिए ये सभी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉब रोल यहाँ पे मेंशन है, रिक्वायरमेंट जो है आपका रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, PLC सिस्टम के ऊपर आपका नॉलेज होना पड़ेगा ये सभी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट इस जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो आज ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ये सभी जॉब का अपडेट सबसे पहले मिलता है, तो इसमें आप लोग का ही प्रॉफिट है अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर रखते। ये जॉब आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मगर इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई न्यू जॉब का वैकेंसी देंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जाएगा, देन आपको यूट्यूब में जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी बेहतर जानकारी फ्यूचर में पाने के लिए। डायरेक्ट अगर आप लोगों को कोई जॉब का ज़रूरत है, साथ ही में MTech भी करना चाहते हैं तो भी आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल ID एंड WhatsApp लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। थैंक यू।